तो दोस्तों हमने आम पकने के लिए रखे थे और मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, उसमें हमने कोई केमिकल कोई कार्बेट नहीं लगाया था और लगभग 4 से 5 दिन हुए हैं। अब मैं आपको आम की पोजीशन दिखाता हूँ, क्या पोजीशन है। जरा दिखाएं, ये आम बिल्कुल फर्स्ट क्लास पक गए हैं। ये देखिए, अभी मैं इसको आपको काट के दिखाता हूँ। ये देखो, ये सब पक चुके हैं, ये बिल्कुल हरे दिख रहे हैं लेकिन ये पक गए हैं, समझ गए। आप देख सकते हैं, अब इसमें क्या होगा, कुछ ऐसे भी होंगे थोड़े बहुत जो नहीं पके होंगे तो उनको चेक करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से है ये, मैं आपको दिखाता हूँ काट के। एक बिल्कुल हरा दिख रहा है, इसको दिखाइए, तो इसको देखो बिल्कुल हरा दिख रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो बिल्कुल पका हुआ है फर्स्ट क्लास। ये देख सकते हो, ये हमने काटा, ये कितना देखो बिल्कुल ये पका हुआ, बहुत मीठा है क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं लगा हुआ है, घर पर रख दिया पक गया फर्स्ट क्लास। अब हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे इनमें से कुछ ऐसे भी आम होंगे जो नहीं पके होंगे, तो हमने ये करना है जो पके हुए आम हैं उन्हें निकाल लेना है और जो कच्चे आम हैं उनको फिर रख देना, वो 1-2 दिन में वो ही पक जाएंगे। दूसरी चीज, आप सोचो बिल्कुल पीलापन आएगा, ऐसा जरूरी नहीं, पीलापन आएगा लेकिन पीलापन आने तक ये बहुत ज़्यादा पक जाएंगे। अभी आप देख रहे हो ये बिल्कुल हरा दिख रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे दबाओगे तो ये थोड़ा थोड़ा दबेगा, जो थोड़ा थोड़ा दबेगा समझ लो वो पक जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपको कितना पका हुआ चाहिए, आपको थोड़ा पका हुआ चाहिए या बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पका हुआ चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करे, तो आप उसके हिसाब से पका सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको कि किस तरीके से हमने बिना केमिकल के इन आम को पकाया। तो दोस्तों ये लगभग 3 से 4 किलो आम जो हैं वो बिल्कुल पके हुए रेडी हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हैं बिना केमिकल के हमने इन्हें पकाया, तो इससे फ़ायदा ये होगा ऐसे 3-4 किलो आम ये पकते रहेंगे, अगर हमने केमिकल लगा दिया तो एक साथ बहुत सारे आम पक जाते हैं। ये देख सकते हैं कितने फर्स्ट क्लास पके हुए हैं।